बहुत धूप है, बहुत बहुत। सो फ्रेंड्स, हम घर से निकल चुके हैं थाना के सूरज वाटर पार्क जाने के लिए। तो हम जैसे कि पहुंच गए हैं, गेट के अंदर एंट्री कर ली है, लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है और सारी डिटेल्स यहाँ पे शो की हुई है मैंने, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और जैसे कि हम बाइक से आए थे तो हमने यहाँ पे पार्क की बाइक, और यहाँ पे अगर आप प्राइवेट अपनी व्हीकल से आ रहे हो तो यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर 50 रुपीज़ और फोर व्हीलर के लिए 100 रुपीज़। वैसे ज़्यादा बड़ी पार्किंग यहाँ पे है नहीं, लेकिन जितनी भी है अच्छी है। और अगर आपको ट्रेन से आना है तो थाना स्टेशन उतर के आपको वहाँ से बस और रिक्शा अवेलेबल है, और रिक्शा वाले 200 रुपीज़ लेते हैं, और इसका टाइमिंग है 10 बजे से लेके 6 बजे तक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ सूरज वाटर पार्क, और हमने टिकट ले लिया है, एंट्री भी कर ली है। आम कल हारे आम लगे, आम दिख रहा है, नहीं क्या पता, आम लगे आम। आम का पेड़ है यहाँ पे बहुत सारे, मतलब 3-4 है, और टिकट है 1000 रुपीज़ की, जो चलते हैं अंदर और जाके चेंज करते हैं। के लिए हम लोग ये वाले गेट से आए, दूसरे गेट से, पर जाने के टाइम पे यहाँ पे डायरेक्ट वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे, जाने एग्जिट के टाइम पे। यहाँ है सामने दिख रही है स्लाइड, वो बच्चों वाली स्लाइड दिख रही है। वैसे यहाँ पे शादी का हॉल भी है ये साइड में। तो यहाँ से है एंट्री, और हमें ये टनल में से जाके जाते हैं सबसे पहले लॉकर लेने के लिए। आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से अगर थाना स्टेशन साइड से आ रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में ही मेन गेट मिलेगा आपको हाईवे पर। ये एंट्री यहाँ से नहीं दिख रहे, पर सामने है इधर चेंजिंग रूम राइट साइड में, और एकदम सामने है लॉकर, लॉकर काउंटर। तो अभी दिखेगा ये चेंजिंग रूम और ये लॉकर काउंटर, ये है लॉकर्स। यहाँ पे दो टाइप के लॉकर मिलेंगे, एक लार्ज और एक स्मॉल। डिटेल आप सामने देख सकते हो। बड़ा जो लॉकर है लार्ज वाला, वो 150 रुपीज़ डिपॉजिट करना है, उसमें से रिफ़ंड आपको 100 रुपीज़ हो जाएंगे, और स्मॉल के लिए 100 रुपीज़ देना है आपको, और रिफ़ंड में आपको 70 रुपीज़ आ जाएंगे। जैसे ये सामने देख रहे हो ब्लू कलर का, वो स्मॉल है, और ये जो येलो कलर के, ये लार्ज है। लार्ज वाले में आराम से दो से तीन बैग आ जाएंगे, और दो बैग आ जाएंगे, और स्मॉल वाले में एक ही बैग आएगा आपका। और ये जो आप सामने देख रहे हो, ये बच्चे लोगों का पूल है स्लाइड, और उसके बाजू से ही वेव पूल है, अच्छा खासा बड़ा है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये है वाटरफॉल। वैसे अभी चालू नहीं हुआ है, ये वेव पूल जब स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही ये वाटरफॉल स्टार्ट होता है। और ये जो सामने देख रहे हैं, ये फूड कोर्ट है, और ये इसके साइड में ही, लेफ़्ट साइड में जो आप सीढ़ियाँ ऊपर देख रहे हो, ये है रेन डांस। ये देखिए, ये जो देख रहे हो, ये है रेन डांस। रेन डांस के लिए काफ़ी बड़ा एरिया है, और फुल ऑफ डिस्को लाइट वगैरह लगी हुई है। ये जो सामने आप काउंटर देख रहे हो, ये कैश काउंटर है, यहाँ पे आपको पहले पे करना पड़ेगा, यहाँ से कूपन लेना पड़ेगा जो भी आपको लेना है, उसके बाद ही आप फूड ले सकते हो। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, जितना MRP है उतना ही है यहाँ पे सबका, आइसक्रीम वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का प्राइस, ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं है, और फूड के प्राइस भी नॉर्मल है, जैसे आप पॉज करके देख सकते हो मैंने शो किया हुआ है। बहुत गर्म हो रहा है बहुत, सबसे पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ। सो ये है डिंग डोंग सिंग सॉन्ग वाला स्लाइड, वाटर स्लाइड, दो लोगों के लिए है, बहुत मज़ा आती है। मैं लास्ट टाइम इसमें जा चुकी हूँ, मज़ा आता है। और लेफ़्ट साइड में ये जो, इसके सामने ही लेफ्ट साइड में ये जो पूरा सिटिंग एरिया है फूड कोर्ट का, उसके सामने ही मतलब लगे, उसके बाजू से ये ड्रिंकिंग वाटर है, और उसके बाजू से ही एक्स्ट्रा में एक लेडीज़ और जेंट्स वॉशरूम भी है, आप यूज़ कर सकते हो। और ये सारी स्लाइड्स हैं। सो ये है 70 डिग्री 60 डिग्री, क्या बोलते हैं पता नहीं, इसमें मैं जाऊँगी। और ये है 90 डिग्री, इसमें लाइट ही नहीं है अंदर, तो इसमें तो मैं नहीं जाऊंगी।
बहुत धूप है, बहुत बहुत। एक अच्छी बात है कि यहाँ पे हर जगह है ना, ये है सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। बाकी जो छोटे छोटे रिसोर्ट रहते हैं ना, उसमें सिक्योरिटी नहीं रहते, तो उसमें एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। मतलब किसी का धक्का लग जाना या पीछे से जल्दी किसी का आ जाना। यहाँ पे जब तक कि यहाँ से गार्ड ओके नहीं बोलेगा, तब तक वहाँ से वो लोग भेजते नहीं। उनकी वहाँ बहुत झाड़, बहुत लास्ट टाइम आई थी ना, इतने जामुन पड़े थे ना नीचे, इधर भी थोड़े थोड़े मतलब कच्चे कच्चे जामुन हैं। अभी शायद इसका सीज़न नहीं है, कच्चे कच्चे। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, आप बैठ सकते हो सिटिंग। और ये स्लाइड्स है, ट्यूब वाली भी है। ट्यूब मीन्स ट्यूब्स तो है पर वो टब है, इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी है। देखो वैसा वो ट्यूब। ये भी ट्यूब वाला है, इसमें ट्यूब में से आने का। ये और बिना ट्यूब वाला है। चोला स्लाइड्स और ये रेम्बो स्लाइड, ये है बहुत बड़ी। मतलब वहाँ से ऐसी 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 और वहाँ तक। तो बस इसके सामने ही फैमिली पूल बना हुआ है राइट साइड में, रेम्बो स्लाइड के राइट साइड में। यहाँ पे फैमिली के लिए बना हुआ है, 3 फ्लोर है मतलब। और यहाँ पे 16 राइड्स है। फर्स्ट फ्लोर से बच्चे आ सकते हो, सेकंड थर्ड से उनके पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों के साथ फैमिली भी इंजॉय कर सकती है एक ही पूल में। बैठी हो जैसे मैंने ना ऐसा ऊपर मंडी करी, ऐसा करके ये कौवा बैठा है इधर, पट्टी कर देगा नहीं तो मेरे पे उड़ जाती हूँ यहाँ से। Hey friends, मैंने ये वाली जो स्लाइड है ना, ये वाली मैंने कर ली है। अब मैं फोन जा रही हूँ लॉकअप में रखने के लिए, क्योंकि पानी से फोन खराब हो सकता है। तो मेरे को जितना शूट करना था मैंने कर ली, अब मैं जा रही हूँ लॉकअप में रखने, फुल इंजॉय करूँगी। और एंड में आपसे मिलती हूँ। बाय। मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और हाँ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। सारी राइड्स करके हमें लग गई थी भूख, कुछ 2:30 बज रहे थे। और हमने यहाँ पे लिया था प्लेन राइस विथ दाल विथ छोले। और ये आपको पहले मैंने जो दिखाया था वहाँ से आपको पहले कूपन लेना पड़ेगा। ये जो हमारा फूड था, ये जो थाली है, ये 200 रुपीज़ की है। और ये लाइन से काउंटर्स बने हुए मतलब छोले भटूरे के। चाइनीज़ भी मिलेगा आपको यहाँ पे, सैंडविच भी मिलेगा, डोसा वगैरह भी मिलेगा। तो ये है हमारी थाल, छोले और दाल राइस। और फिर इसके बाद हमने एक भटूरा ले लिया था एक्स्ट्रा। और बस उसके बाद हमने खाना भी ना खाया, फिर से स्लाइड वगैरह इंजॉय किया। और हम 5 बजे निकल गए चेंज वगैरह करने के लिए। यहाँ पे जो वेव पूल होता है ना, उसका टाइमिंग लास्ट है 6:45 का, और 6 बजे ये ख़त्म हो जाती है। मतलब 15 मिनट का वेव पूल का टाइम होता है। और बस उसके बाद भी हम, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि एग्ज़िट ये वाले गेट से करना है और एंट्री वाला गेट अलग होता है। तो बस आई होप आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।